हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वाइज। तो आप सभी को सॉरी क्योंकि आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग आ रहा है और उसका बहुत सारा प्रॉब्लम है ब्लॉग लेट आने का। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि टाइम नहीं मिल रहा, उसके दूसरा प्रॉब्लम है कॉलेज जाना। तो अभी प्रॉपर जो है कॉलेज रेगुलर जा रहे हैं और जिस तरह से मोटा ब्लॉग जो है या वीडियो ब्लॉग खुशी हो सकते आप लोग, वो लेट आ रहा है, मेन रीजन नहीं है। तो हम सोचे आप लोग के लिए कुछ टाइम निकाला जाए ब्लॉग करने के लिए। और आए हुए थे फ्राइडे को घर, तो आज जा रहे हैं जमशेदपुर। अभी तो देख सकते रास्ता पे हैं और टाइम हो रहा है 5:50। तो देखते हैं जमशेदपुर कब तक निकल पाएंगे। और हम लोग सुबह से जम के बारिश हो रहा है, तो इधर देख सकते हैं किस तरह बरसात ठंडा हो गया, तो रोजाना भर गया है रास्ता के साइड, नदी बह रहा है ये देखिए। और मौसम भी काफी सही लग रहा है अभी का, और आए हुए बारिश ना हो नहीं तो काफी दिक्कत होने वाला मेरे को। हालांकि हम रेनकोट पहन लिए हैं बट अदर जो बैग है वो भींग जाएगा मेरा जितना है प्रूफ है। तो आई होप कि आज क्रिसमस साथ दे दे मेरा, तो ठीक कर लेते कैमरा चल रहा है या नहीं। तो चल रहा है तो और एक प्रॉब्लम आ गया स्कूटी पे, वो अभी दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए गाड़ी की स्पीड चल रहा है 60 अबव, बट यहाँ दे रहा है 30। मतलब आप समझ सकते हैं कि मीटर पूरा एकदम प्रॉब्लम कर रहा है। इससे तो प्रॉब्लम आपको कोई फेस नहीं किए होंगे जिससे आपका मेरा मीटर शो कर रहा है 30 स्पीड दे सकते हैं। और स्पीड आप लोग देख के पता लगा सकते हैं कि कितना स्पीड जा रहा है गाड़ी। देखिए फिर बताएंगे फिर भी उतना ही रहेगा 30, लेकिन स्पीड आ रहा है इससे अभी। आप लोग इस टाइप का फेस किए होंगे प्रॉब्लम कभी, और शायद ही कोई किया होगा। अगर बारिश होता है बीच में तो कैमरा मेरे को ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट मैं वाटर प्रूफिंग केस लगा रहा हूँ, उसके बाद ब्लॉक कर रहे हैं। इसलिए आप लोग ब्लॉक में कंट्री रहिए और दिखाते हैं आप लोग क्या क्या सुनाने वाला है रास्ता पे। बस आप लोग से एक चीज बोलना था, आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, काफी कम कर रहे हैं, व्यू तो अच्छा दे रहे हैं आप लोग हर वीडियो में, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली। कुछ ऐसे बंदे ऐसे हैं जो सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उन लोग को यही बोला चाहते हैं कि भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग को भी चैनल होगा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करते फिर अनसब्सक्राइब कर देते, कुछ दिक्कत होगा आप लोग कमेंट कीजिए मेरे को, मैं इसको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और कुछ जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं ये जिसके कारण से आप लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, कि मुझसे भी गलती हो रहा तो। बट अनसब्सक्राइब मेरे चैनल को, एक एक सब्सक्राइब जोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लगता है मेरे को, और आप लोग सब्सक्राइब करते फिर अनसब्सक्राइब कर देते, सब्सक्राइब करने की इतना खुशी होता है, बट आप लोग जब अनसब्सक्राइब करते हैं तो उतना ही हार्ड होता है मन को। तो अभी हम लोग पहुंचे वाले चीज को, अभी काफी ज्यादा हवा दे रहा है जिस तरह से मेरा जो हेलमेट है वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, और आप लोगों को फोटो कैसा मिला पता नहीं आप लोग को मुझे। और ये जो रोड है टाटा राठी हाईवे, ये हमेशा काम होते रहता है, हमेशा जब भी देखो काम लगा हुआ है, भगवान जाने कितना रोड किस तरह बन रहा है। और ये देखिए लॉन्ग व्हीकल, ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है, पौधा लगा दिया यहाँ पे रास्ते के बीच में, पेड़ लगा दिया काफी ज्यादा सही है। और इसका मेन रीजन पता है क्या है, जो उधर से गाड़ी आएगा अपोजिट साइड से, उधर का लाइट इस साइड ना आए और इधर का लाइट उस साइड ना जाए, तो जिससे कि ड्राइवर जो रहेगा जाने वाला उसको कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है, तो जिस तरह से पता जाया जाता है। वेदर काफी सही लग रहा है आज के मेरे को, तो आधा रास्ता क्रॉस कर चुके हैं और आधा रास्ता क्रॉस करना है बस। आप लोगों को कुछ हम सोचे हैं आप लोग के लिए आप लोग फायदा होने वाला है, हम सोचे हमारा ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उस टाइम वीडियो करने वाले हैं,
किसी भी चीज़ का या ईयरफोन हेडफोन या फिर हेलमेट किसी भी चीज़ का जीप करने वाले हैं। और उस गिवअवे में कुछ बताएंगे आप लोगों को, अपडेट मिल जाएगा कि क्या कर देने वाले हैं, मतलब आई थिंक हमको लगा है हेलमेट ही देने वाले हैं। एक्चुअली इस जो चैनल है मेरा व्लॉग चैनल को हम करने वाले हैं मोटो ब्लॉग में ट्रांसफर, अभी सिर्फ मोटो ब्लॉग का ही वीडियो आएगा। एक्चुअली मुझे ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, जब टाइम मिलेगा उस टाइम मोटो ब्लॉग कर लेंगे, अगर सॉरी ब्लॉग कर लेंगे और खैर अभी मोटो ब्लॉग ही चलेगा अभी तुम्हारा। फाइनली हम रूम पहुंच चुके हैं देख सकते हैं और अभी यहाँ से निकलने वाले हैं, तो अभी जाएंगे सबसे पहले फोटोशूट पे, उसके बाद जाना है एटीएम का पिन जनरेट करें, न्यू आया हुआ एटीएम पीएनबी का, तो इसका पिन जनरेट करें कुछ देर में, और अभी देख सकते हैं रेडी हो गए हैं और बाकी सब रेडी हो रहा है, तो चलिए अब चलते हैं। और ये देख सकते हैं कैमरा भी रखा हुआ है, फ़ोन चल रहा है, और ये हम लोग का रूम कुछ इस टाइप का है, देख सकते हम लोग मिनी इन्वर्टर और प्लस होम थिएटर, ये देखिए। तो चलेंगे अब यहाँ से एटीएम निकाल लेते सबसे पहले, तो अंदर में एटीएम ये देख सकते हैं, न्यू एटीएम आ चुका है फाइनली, पीएनबी का न्यू एटीएम। आप लोग इधर से देखिए, हम क्या देखे